देखिए, राज्य की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। मैं प्रथम परिवर्तन यात्रा में उधम सिंह नगर में के जिले में जो उत्साह मैंने लोगों में देखा, हजारों की संख्या में जो लोग सड़कों में हुए, हमारी मीटिंग रात 10-10 बजे पर भी, तो राज्य की जनता ने बना लिया है परिवर्तन का मन। 22 में कांग्रेस पूरी तरह से आएगी और हताशा निराशा बीजेपी दिख रही है। आज मैं मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था, 22,000 पर जब वो जाने वाले, कोई समय नहीं रह गया। दिसंबर में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। वो 22,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री से एक और भारतीय जनता पार्टी सीधा सा सवाल है, ये 22,000 पाँच सालों में राज्य के अंदर ये 22,000 जो पद खाली पड़े रहे, इसका मतलब 22,000 नौजवान, 22,000 परिवार, आखिर इसके लिए दोषी कौन है? इस जो इस राज्य के नौजवानों को सपनों को जिन्होंने चकनाचूर किया मारा, आखिर तभी तो 22,000 पर अचानक राज्य की सरकार घोषणा कर रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका मतलब सीधा सीधा है, आज देश को सबसे बड़ा बेरोजगारी की दर इस उत्तराखंड में है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। और कांग्रेस 22 में आएगी तो तत्काल आते ही इन पदों को भरने की कार्रवाई तुरंत शुरू करेगी। राजधानी के सवाल पर क्या है? राजधानी साफ है, कांग्रेस ने गैरसैंण में राजधानी के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे और वो अंतिम मुकाम है स्थायी राजधानी की। कांग्रेस 22 में सरकार बनाएगी तो गैरसैंण इस प्रदेश की स्थायी राजधानी बनेगी। समय समय से ताल ठोक रहे हैं आप? नहीं, देखो ये प्रेस का मैदान है, ये उचित फोरम नहीं है ये सवाल कर रहा है। मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, सिर्फ 2022 में कांग्रेस दोबारा लौटे उसके लिए सारी ताकत लगे। यदि आपको टिकट मिले पार्टी के तो ये इस फोरम का यदि उचित नहीं है, ये जब पार्टी मुझसे पूछी तो पार्टी को ही वहां उसका पक्का उत्तर दूंगा। धन्यवाद।